सभी का नमस्कार भाई लोग। आप लोगों का पिछले हफ्ता 10 दिन से भाई आ रहे हैं, मेरा ऑफिस बात कर रहे हैं मेरे को। देखिए, इसमें बहुत लिमिटेड नॉलेज है। आप लोगों का जो एसोसिएशन है या जैसा आप लोग चलाते हैं, मेरे को इसके बारे में नहीं पता। आज इंटरेक्ट करेंगे हम लोग, पता करेंगे क्या है। मगर मोटा माटी जितना बाहर से पता किया, आप लोगों का 3-4 एसोसिएशन है। देखिए, हम यहाँ इसलिए आया, देखिए हम आप लोगों के बीच में आया, नेता नहीं है, आप लोगों का भाई है, यहाँ पैदा हुआ, इसलिए हम आप लोगों के बीच में आया। हमसे कुछ हो सके हम ज़रूर करके देगा, चाहे सामाजिक तौर में, चाहे कोर्ट का लेवल में करना हो, हम आप लोगों के साथ खड़ा है, फ्री में करके देगा। आप लोग 1 रुपया का योगदान देने का ज़रूरत नहीं है। हमसे जो होगा कोर्ट तक भी करना होगा तो करेंगे, किसी से बात करना है तो भी करेंगे। मेरा घर में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, मेरा कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि हमको पुलिस से एडमिनिस्ट्रेशन, एकदम इंडिपेंडेंट खुला सांड है, इसीलिए हम किसी से टेंशन लेता नहीं। आज आप लोग ये परेशानी में, कल हो सकता है मेरा बच्चा है बिजनेस में आए पढ़ने का वक्त, अगर आज बदतर हालत होगी तो कल मेरा बच्चा आके नहीं जी पाएगा या मेरा कोई रिश्तेदार नहीं जी पाएगा, ये मेरा सोच है। इसीलिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, मेरा हम भाई को भी पहला दिन में बोला है बात, आप लोग का सामने भी रखता, आप लोग मेरे को राय देना कहाँ मैं अड़ंगा आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, उसको क्लियर करेंगे। क्योंकि बार बार ये मीटिंग आप लोग काम छोड़ के आना, ये भी पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए। आप 3-4 एसोसिएशन जो रख के चलते हो ना, एक कहावत है, 100 शेर का पीछे चलने से अच्छा कोई एक शेर को पकड़ के चले जो राजा बने। अब राजा आप लोग को खुद को चुनना है। ये 4 एसोसिएशन को आप लोग मर्ज करके अगर एक साथ करना चाहते हैं तो आप लोग का ताकत बनेगा। अब उसका हम एग्जांपल आप लोगों को बोलता हूँ, आज यहाँ में कम से कम 100 लोग होंगे, आपका 4 एसोसिएशन जुड़ेगा तो कम से कम 500-700 लोग हैं। अब 500-700 लोग के घर में 3 जन का भी एक परिवार लेके चलो तो कितना हुआ। हर एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के पहले आप लोग सामने आके बैठेगा, बोले भैया हमको सपोर्ट करो, हम आप लोगों को जो मंगता करके देगा, हम लोग को ये चाहिए, हम लोग को नेता नहीं बनना है, हम लोग को अपना घर में रोटी अच्छा से पहुँचे, बीवी बच्चा अच्छा से रहे, माँ बाप का बुरा वक्त में हम उनका ट्रीटमेंट का पैसा जमा कर सके, यही तो चाहिए हम लोग को। तो महल बना के यहाँ में नंबर वन में नहीं जाना है। हम लोग आज का चिंता ये है कि हम लोग आज में रोजी रोटी कमाने का ताकत इन लोग छीन रहे हैं आज से, हमें चीज़ में क्लियर है, कोई को कुछ भी डाउट है भाई बीच में हाथ उठा के बोल सकता है। तो ये एसोसिएशन को कैसे आप लोग मर्ज करेंगे, ये आप लोग का अपना बीच का डिफरेंस हो सकता है, ये मेरे को नहीं पता। राजनीति हर जगह में है, आप लोगों को देखना है वो एसोसिएशन रन करता है तो कौन आदमी ऑफिस बेरर होल्ड करता है, उसको रन करता है। आप लोग एसोसिएशन सब एक साथ बैठो, बात करो, आपको प्रेसिडेंट चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट चाहिए, सेक्रेटरी चाहिए, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में 11 जन को आप रख सकते हैं अलग से। प्रेसिडेंट एक होगा, सेक्रेटरी एक होगा, ट्रेजरर एक होगा, वाइस प्रेसिडेंट आप 5 रख लो, बाकी 3 एसोसिएशन का जो ऑफिस बेरर उनको बीच में ला दो इसमें, जॉइंट सेक्रेटरी आप 5 रख लो, तो सब एसोसिएशन का इसमें आप मिलके काम कर सकते हैं, ये मेरा राय है। आगे आप लोग को बेहतर समझना है, जब आप लोग एक साथ हो जाएंगे आप लोग मेरे को ऑफिस बेरर का नाम देना, बायलॉस हम बनाएगा आप लोग से बैठ के, उसमें रेट रेगुलेट करने का बात करी। सबसे पहला चीज़ है, आज जिसके पास 5 गाड़ी हो 1000 रुपये में भी एक गेस्ट उठा सकता है, क्योंकि 5 गाड़ी जाएगा तो 5000 होएगा, दिन में 2 ट्रिप हुआ तो 10000। अब जिसका पास 1 गाड़ी है, अगर वो सिपीघाट जाके एक आदमी को छोड़ के आता है एयरपोर्ट पिकअप करके, तो उसको 1 घंटा चाहिए इस ट्रैफिक में, अगर हम कम बोल रहे हैं तो 1 घंटे से ऊपर चाहिए, तो आदमी एक ही ट्रिप मार सकता है एक दिन, मगर हम गलत है तो आप लोग बोलिए। उस वो भी 1000 रुपये कमा रहा है, जिसका पास 5 गाड़ी वो भी 1000 रुपये कमा रहा है। अगर यही आप लोग ये करेंगे कि 1000-1200 रखे, एसी नॉन एसी का अलग रेट कर दो। अब नाइट फ्लाइट चलने वाला है क्योंकि इंटरनेशनल होगा, आप दिन में जो सर्विस जो रेट में दे रहे हैं रात में दे पाओगे, आपको वो रेट रेगुलेट करना है। देखो ये आप लोग को सोचना है। अभी जैसा हम वकील हम अपना बताता, हम लोग को मालूम है हम लोग का ये फीस में इतना मेहनत है, केस में इतना मेहनत है, हम लोग फीस को लेवल में लेके जाता है। मेरा एक छोटा एग्जांपल है, मेरा भाई हरीश यहाँ बैठा है, मेरा कोई क्लाइंट बोला आपका फीस बहुत ज़्यादा है, हम बोले यहाँ से कलकत्ता ऐसा जाता है, बोले फ्लाइट से, हम फ्लाइट है, वो सहूलियत देता है आपको कि आप केस जीतेगा, आपको गारंटी है तो आपको पैसा देना है। ये गारंटी आप गेस्ट को देना है कि आप मेरा गाड़ी में बैठा है सेफ, आप पहुँचेगा अपना घर, मगर आपको पैसे इतना देना है। तो ये आप लोग रेगुलेट नहीं करते, ये बेसिक चीज़ हमको जो समझ आ रहा है हम बता रहे हैं आपको। अगर हम गलत है प्लीज़ आप लोग बताइए, हम लोग उस जगह बात को रोक के उसको फिर डिसाइड करेंगे। एक बार आपका एसोसिएशन रजिस्टर्ड होगा, आप कहीं भी जाके बात कर सकते हैं, आप चिट्ठी दे सकते हैं अपना लेटर पैड में, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, ये मेरा लेटर पैड है, ये मेरा मुद्दा है, आप इसको सॉल्व करो। जैसे आज सुबह मेरा MP साहब से बात हुआ, किसी मुद्दे में बुलाए थे, मेरा बात हुआ,
आप लोगों का मुद्दा हम रखा उनके सामने, हमने दादा आप चेयरमैन हैं एयरपोर्ट में, आपका वीडियो देखा बहुत अच्छा लगा, आप उनको सपोर्ट किए मगर आगे बात नहीं बढ़ा। दादा बोला क्या करना है, 3-4 एसोसिएशन है, कोई साथ मिलता नहीं है। ये एक बड़ा मुद्दा है, कोई भी एमपी को बात करने के लिए एक बड़ा मुद्दा है, एक एसोसिएशन कांग्रेस का, एक बीजेपी का, एक इंडिपेंडेंट, तो आप लोग कहाँ है फिर? आप लोग घर कहाँ है, आप लोग परिवार कहाँ है? भाई पार्टी खाना नहीं देगा, मैं आप लोगों को सीधा बता रहा हूँ, कोई पार्टी खाना नहीं देगा। जब तक आप लोग साथ है, ताकत है, पार्टी आपके साथ है, जिस दिन आप लोग बिखरे कोई साथ नहीं है। तो आप लोगों का बात हुआ दादा से, दादा बोला राकेश भाई अगर एक संगठन बनता है उन लोगों का तो स्पेशल डेलीगेट में आपको भी लेके जाएंगे, डायरेक्टर से फिर बात करेंगे, उनको बोलो इसको जोड़ो, एक चिट्ठी बना के दो, हम लोग संघ में जाके बात करेंगे, आप लोग के लिए रास्ता खोल रहा हूँ, आप लोग डिसाइड करना कि कितना जल्दी खुलना है करके, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। क्योंकि भाई देखो आज का जो दौर आप लोग देख रहे हैं, ये आज का हाल का परेशानी है, हो सकता है 1 महीना बाद डायरेक्टर सेटल कर जाए, फिर अगर 6 महीना बाद हुआ तो फिर ऐसे ही बैठेंगे हम लोग। एक बार में इसको सॉल्व करो आप लोग। दूसरा हम ये भी सोचा है कि आप लोग जितना जल्दी मर्ज करके एक एसोसिएशन बनाएंगे, लोकल बॉन्ड में हम लोग सब एसोसिएशन को बुलाएंगे, तमिल, तेलुगू, बंगाली सेटलर, मोपला एसोसिएशन, आपका बिजनेसमैन का जो एसोसिएशन है, चेंबर ऑफ कॉमर्स को इनवाइट करेंगे, आप लोग का लेटरहेड में और हमारा लोकल बॉन्ड का लेटरहेड में, ये इनवाइट करेंगे कि आप लोग आइए एक मीटिंग करना है। अगर हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है आउटफेस में, अंडमान बंद करेंगे, सभी एसोसिएशन से रिक्वेस्ट करेंगे एक दिन का डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अंडमान बंद करो आप, डिगलीपुर से लेकर कैंबलवे तक, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ pre-42 बच्चे नहीं बैठे हैं ना, तमिल बच्चे भी है, तेलुगू भी है, मुस्लिम भी है, बंगाली भी है, तो ये मिनी इंडिया बैठा है ना यहाँ, तो बाकी सब एसोसिएशन को साथ देना पड़ेगा। डिबरेट का मुद्दा में हमने मीटिंग बुलाया था, सब साथ दिए थे, हम लोग उतरे थे उसके लिए। तो अभी भी ये टाइम है कि अगर हम लोग एक साथ एक बार जुट बन के आते हैं वो करेंगे, अंडमान बंद में अगर कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा रोड शो करेंगे, मगर एक बात है, रोड शो करने टाइम मेहरबानी करके वोटर पी के कोई मत आना, उसका बाद बैठ के पी लेंगे जहाँ मांगता, कोई टेंशन नहीं है, ताकि कोई ऐसा उपद्रव ही ना हो कि हम लोगों को फिर वही बेइज्जती उठाना पड़े कि येल्लो बोर्ड वाला ड्राइवर लोग गलती कर रहा है। आज आप लोग जब संगठन बन के एसोसिएशन बनाओगे तो उसका जिम्मेदारी हर एक मेंबर के ऊपर जाता है कि वो पी के कहीं लफड़ा ना करे, वरना आपका एसोसिएशन का नाम खराब हो। देखिए पीना गुनाह नहीं है, पी के लफड़ा करके फंस जाना एक गुनाह है। कौन ऑफिसर नहीं पीता अपना घर में बताओ हमको, कोई एक नाम गिन के बताओ जो ना पीता हो, मगर क्योंकि वो अपना कैंपस से बाहर नहीं आता तो संत है, और हम लोग जो रोड में पी के घूमते वो क्रिमिनल है, फर्क ये है। तो आप लोगों को वो डिसिप्लिन भी रखना है कि जब एसोसिएशन का छत का नीचे आ गया तो हम लोग एसोसिएशन का गरिमा कैसे बना के रखना है, हम लोग को कैसे दिखाना है कि इतना बड़ा जो हुजूम हम लेके चलते हो डिसिप्लिन, एक आधा गड़बड़ हो सकता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, किसी को टेंशन हुआ, लोड हुआ, घर में फिटर पिटर हुआ, बीवी से पी लिया, अलग बात है, बट ये आदत मत डालो। आज आप अगर सिक्किम जाते हो वहाँ पे बाहर का गाड़ी, वेस्ट बंगाल का गाड़ी सिलीगुड़ी तक ही जाएगा, सिलीगुड़ी में आपको रेलवे स्टेशन से या कहीं से भी उतर के आपको वहाँ का गाड़ी सिक्किम का लेना है इसके वाला। हम लोग हर साल, मेरा ट्रिप रहता है दार्जिलिंग, हम लोग बाई रोड जाते हैं, मेरे को बाई रोड बहुत पसंद है जाना, तो हम लोग कलकत्ता से जब भी गाड़ी लिया या तो दार्जिलिंग चढ़ा के रोका है गाड़ी को हम लोग, वहाँ से लोकल गाड़ी लिया घूमने के लिए, या तो फिर हम लोग अगर वंदे भारत से किया तो हम लोग सिलीगुड़ी से गाड़ी लिया सिक्किम का। ये यहाँ क्यों नहीं हो सकता? यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग संगठित नहीं है, हम लोग एक मुट्ठी में नहीं है। आज का ताकत ये है कि 3-4 एसोसिएशन है तो सब अपना अपना ताकत दिखाता है, अपना डोमिनेंसी दिखाता है कि हमको ये करना है करके, कोई ये नहीं सोच रहा है कि ये अगर संगठित हुआ तो कितना बड़ा हुजूम रहेगा। आज अगर आप लोग रोड शो करोगे गाड़ी लेके, कितना येलो बोर्ड गाड़ी होगा, कम से कम 500-600 अगर हम कम बोलते हैं तो है। तो यहाँ से अगर पहला गाड़ी शुरू होगा तो 11 चरमा सिप्पी घाट क्रॉस करेगा है, तो आपका ताकत कितना है बताइए ना। आप लोग क्यों नहीं समझते है बात को, आप लोग का ताकत कितना है करके हम समझाने का जरूरत है क्या, प्लीज हमको बताइए ना। दूसरा बात है, एक एसोसिएशन बनने के बाद ना आप लोगों को मेंबरशिप उसमें रहेगा, आप महीना का रख लो 50 रुपये रख लो मिनिमम पर हेड, एक आदमी का साल में कितना हुआ 600 रुपये, 1000 आदमी हुआ तो कितना हुआ। अब आपके बीच में किसी का एक्सीडेंट हो गया, समझिए चोट लग गया, हम बाहर क्यों हाथ फैलाए, हमारा एसोसिएशन से उठा के 1 लाख रुपये देंगे उसको,
कि भाई लेके जाओ तुम ट्रीटमेंट करा के आओ, 50,000 तुमको डोनेशन देते हैं हम लोग, 50,000 तुम महीना महीना वापस करना लोन के हिसाब से ले लो। ज़रूरत है किसी के सामने हाथ फैलाने का? किसी भाई का घर में पेड़ गिर गया, छत टूट गया, वो क्यों किसी भीख मांगे या तकलीफ में हाथ फैलाए? क्या एसोसिएशन से 15 टीन लेके नहीं दे सकता पैसा होगा तो? होगा ना, ये चीज़ क्यों नहीं सोचते आप लोग? ये चीज़ क्यों नहीं सोचते? हम लोग अपना गैर चरमों में करते हैं। हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई बीमार होएगा 5,000 डालो, 200 डालो, 500 डालो, 1,00,000 रुपया, 1,50,000 रुपया, ऐसे सब लोग उठा के। हालांकि 10 लाख में अगर आप ट्रीटमेंट कराने जाते 1,50,000 रुपये, उसको फर्क नहीं पड़ता, बड़ा अमाउंट नहीं है, मगर वो 1,50,000 से उसका 10 लाख में 8.5 और जोड़ने से बस है। आप पूरा मदद नहीं कर सकते, मगर आप एक रास्ता तो दे सकते हो, एक एग्जाम्पल तो सेट कर सकते हो कि हम लोग का ताकत है करके। अगर ये आप शुरू करोगे तो आप वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन आपके साथ आएगा, वो देखेगा कि आप कुछ नया कर रहे हैं। खाली यही तक मत रखो, आप जब इस चीज़ में आते हो तो यहाँ तक मत रखो। साल में कोई एक अनाथ आश्रम गया, आप लोग वृद्धाश्रम गया, वहाँ एक टाइम उनका संग समय बिताया, आपका ऑफिस भी है, उनको खाना प्रोवाइड किया, कितना जाएगा मेरा भाई? 5,000 जाएगा, मगर आपका अच्छा कर्म तो आएगा, आशीर्वाद तो आएगा आपका एसोसिएशन को। गलत बोल रहा तो बोलो, और ऐसा कुछ भी काम करेंगे पहले डोनेशन मेरे से ले लेना, हम ज़रूर देगा आप लोगों को। हम कभी पीछे हाथ नहीं रहो, जब तक जिंदा है आप लोग को मेरे से जो मदद है, कोई हम वॉइस मैसेज सुना, कोई बोला राकेश पाल बहुत सियाणा है, होना भी साला क्रिमिनल वकील है, सियाणा नहीं वो जीते है कैसा, होना भी चाहिए। हम बोलते हैं हम सियाणा है, मगर हमको नेता नहीं बनना है। बहुत सोशल मीडिया में चला नेक्स्ट MP कैंडिडेट राकेश पाल गोविंद क्यों नहीं होगा, हमको ज़रूरत नहीं है। हम MP बन गए तो आप लोग सपोर्ट इतना कर पाएगा करके बोलो हमको। आप गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे हम आ सकेगा नहीं आ सकेगा? आज आएगा खुला सांड है ना, बोलो ना आपका, आप कहाँ आना है करके? हिम्मत है, कहाँ लेके जाएंगे? कुछ गलत हुआ तो कोर्ट लेके जाएंगे, देखेंगे वहाँ अपना जगह है, 25 साल जूता घिसा लिया वहाँ, कुछ तो वहाँ भी छाप छोड़ के रखा है ना। हम इसीलिए आप लोग को बोला कि कॉन्फिडेंटली काम करो, डरने का नहीं है, कुछ हुआ तो हम खड़ा है आप लोगों साथ, एनी टाइम कहीं भी बोलो आप लोग। मगर एक बात, अपने से गलती मत करना, ताकि किसी के सामने हाथ जोड़ के बात ना करना पड़े भाई। अब आप लोग तीनों एसोसिएशन के लोग आए या नहीं आए मेरे को नहीं पता, हम भाई से रिक्वेस्ट करता अगर तीनों एसोसिएशन का आए हैं तो अगर कोई ऑफिस बेयरर है तो प्लीज़ खड़ा होकर बताए कि आप लोग जुड़ने के लिए क्या चाहते हैं, कैसा होगा। बस पॉइंट सेक्रेटरी 5 रख लो कमेटी में, तो आप लोग बात करने जाने टाइम में ये सब आदमी एक संग जाके बात कर सकते हैं। दूसरा है, जब आप एसोसिएशन मर्ज करोगे तो रेट रेगुलेट करो, जैसे एयरपोर्ट पिक करके आप 11 शर्मा जाते हो तो कॉमन आपका AC में क्या रेट होगा, नॉन AC में क्या होगा। अब नाइट फ्लाइट शुरू होगा, आप रात को सर्विस दे रहे हो, रात को 12 बजे फ्लाइट उतरा, आप नींद खराब करके एयरपोर्ट का पार्किंग में हो, अब वो टाइम में तो 1,000 रुपये में नहीं छोड़ोगे किसी को, वो भी रेट रेगुलेट करना है आपको। क्योंकि आपका अगर एक गाड़ी है तो आपको 1500 मिले और दूसरा का 5 गाड़ी है उसको 1000 मिले एक गाड़ी में, तो उसको 5000 मिल रहा है ना। देखिए ये मेरा राय है, हम आप लोगों के बीच में इसलिए हम कोई कंडीशन नहीं रख सकता क्योंकि हमें बिजनेस में नहीं है। पहले एसोसिएशन था, कोई आदमी नहीं कर रहा है गाड़ी का, हम लोग के लिए तकलीफ हो रही है, कोई नहीं आया, मेन मैटर वही है। अभी अलग अलग बनाए हैं, उसी में भी सेक्रेटरी आ रहे, जनरल सेक्रेटरी भी होता है, उन लोग भी हम लोग को बड़ा बड़ा आदमी लोग को बात करने के लिए हम लोग को कोई भेजता है। अभी देखिए अभी अलग अलग हो गया, अभी एक साथ करने से बहुत तकलीफ हो गया भैया। नहीं कोशिश करना है, अभी स्ट्राइक के लिए बुलाई है, हम लोग अरेंज करेगा। अभी अलग अलग हो गया, अलग अलग प्रेसिडेंट हो गया, अलग जनरल सेक्रेटरी हो गया। अभी मेरा एसोसिएशन में ये 50 आदमी है, 50 आदमी हम बोलेगा, हम लोग प्रेसिडेंट बोलेगा, वो साथ में देगा। अभी देखिए अभी पहले से अलग हो गया, पहले एक ही यूनियन था, ड्राइवर यूनियन, वो कन्ना भाई का प्रेसिडेंट, वो उसी में ठीक नहीं है सर, कोई पोस्ट वाला आगे नहीं आया, एक ही आदमी काम करा था, वो कन्ना भाई प्रेसिडेंट का ही वो काम करा था, एक दो जन पकड़ के चले गए, बस इतनी था। सब अलग अलग होने के बाद अभी इतना यूनियन बन गया, इतना आदमी लोग है, हम लोग एक साथ ही लड़ेगा भैया। आप क्या बोलेंगे कोई सबसे मुझे जाएगा भैया बोले हाँ, जितने भी लोग सब एकता हो जाओ होता है क्यों बोले थे ना भैया, मेरा आगे का प्रोस्पेक्ट सुनिए आप, आपका मतलब समझता है कि कहीं कुछ डिफरेंस हुआ है तभी टूट के टुकड़ा हुआ, ये बात भी सही है। वो इनिशियल स्टेज में ये चीज़ को रोका होता तो इतना एसोसिएशन नहीं बनता था। आज मेरा बोलने का मतलब है ना भैया कि अगर आप लोग सब एक साथ जुड़ेंगे ना, आपका कोई भी ड्राइवर को कुछ हुआ, तकलीफ हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, आप लोग उठा के अपना एसोसिएशन से पैसा दे सकते, इतना आदमी है, आप लोग बहुत तरह का अपना एक्टिविटीज़ कर सकते आप लोग के बीच में,
मेरा वो बोलने का है, अभी आप लोग चलिए लड़ाई में एक साथ आ जाएंगे, कल फिर अपना अपना रास्ता जाएंगे, फिर कल कुछ प्रॉब्लम हो एक साथ आएंगे, मगर आपको लीड कौन करेगा बात करने के लिए, ये डिफिकल्टी है ना। आप मेरे बात को समझिए, आपको लगता है आपको एसोसिएशन डोमिनेट करता है, हम बाकी दो एसोसिएशन से रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग को टेक ओवर करने दो, आप इनका कुछ आदमी को वाइस प्रेसिडेंट में रखो, ज्वाइंट सेक्रेटरी में रखो, लीड करो आप लोग, कोई बात नहीं, मगर आवाज एक होना मेरा, बोलो बोलने मतलब ये है। आप मान के चलिए आज आपका एसोसिएशन आपको लगता है स्ट्रांग है, मेरा मतलब है कि आपका मुद्दा जो है वो सफल हो। आप देखिए आज प्रेसिडेंट आप बन के ना, आप कल एमपी नहीं बन जाओगे, आपको यही एसोसिएशन को लेकर आगे चलना है, बस आप इनका एक आवाज रहेगा कि आप आगे जाके एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हो, आईपीएनटी डायरेक्टर से बात कर रहे हो, आप एयरपोर्ट डायरेक्टर से बात कर रहे हो, ये एक आप इनके कॉमन वॉइस रहेगा। आज तीन एसोसिएशन का तीन वॉइस है, तीन एसोसिएशन का तीन वॉइस है। अब इस मुद्दे में आप लोग साथ आएंगे, कल आपस का डिफरेंस रहेगा, बोलेगा वो आया हम बीच में नहीं आए, ये नहीं होना, मेरा ये बोलने का मतलब है। आप लोग देखिए आज ही करना जरूरी भी नहीं है भैया, मैं आपको एकदम स्ट्रेट बता रहा हूँ, आज ही सब कुछ हो ये भी जरूरत नहीं है, बच्चा पैदा होकर चलने के लिए भी साल भर लेता है, मगर ये है कि जितना जल्द आप लोग इसको सॉल्व करके एक साथ आओगे उतना अच्छा आप लोगों का एक संगठन बनेगा, मेरा ये रिक्वेस्ट है। मैं आपकी बात को समझता हूँ, उसी में अभी का इमरजेंसी के लिए एक कमिटी फॉर्म करके हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेगा, उस तरह ही करेगा सारा प्रॉब्लम, जैसा अलग अलग हो गया। अभी देखिए अभी कितना, अभी 10 मेंबर्स है, 10 मेंबर में हम लोग चूज करेगा कौन प्रेसिडेंट रहना, कोई जनरल सेक्रेटरी रहना, वो हिसाब से हम लोग का कमिटी बन के हम लोग काम करेगा। आप लोग का एसोसिएशन क्या क्या नाम से है? अंडमान टूरिस्ट कैप एसोसिएशन करके रखा है मेरा एसोसिएशन। अच्छा, और क्या हम लोग जो भी है यहाँ में सभी आके पहले एक ही यूनियन बनता है, क्योंकि अंडमान निकोबार टूरिस्ट व्हीकल ड्राइवर वेलफेयर यूनियन में सभी हम लोग जोड़ा ही मेरे इसमें छोटा मोटा थोड़ा प्रॉब्लम जैसे सब हट गया था, हट के अंडमान निकोबार टूरिस्ट व्हीकल करके एक खोला था, उसके पहले एक वाटर एसोसिएशन करके एक खोला था, सिर्फ दो यूनियन थे, एक ड्राइवर का एक ओनर का, दो यूनियन है। अभी तीसरा एक यूनियन बनाया वो अंडमान निकोबार टूरिस्ट व्हीकल के लिए सारे व्हीकल मतलब एक ही साथ में, यानी कि अलग नहीं करने, उस तरह एक यूनियन ओपन किया, बैलेंस वही में है, दो बार कुछ कारण की वजह से बैक हुआ, फिर भी फाइल हम लोग का वहाँ पे बैलेंस समय मिल जाता है, बस ये चार यूनियन अभी चल रहे हैं, तीसरा अभी चौथा वो। तो आप लोग एक काम कीजिए, फिर ये एसोसिएशन में जितना भी रजिस्टर्ड है या जो अनरजिस्टर्ड है, आप लोग एक ज्वाइंट कमेटी बना लो, ज्वाइंट कमेटी बना लो, ये मुद्दा को लीड करने के लिए एक ज्वाइंट कमेटी बना लो, सब एसोसिएशन से एक एक दो दो जन पिक करो और एक ज्वाइंट कमेटी बना लो, और ज्वाइंट कमेटी को आप लोग डिसॉल्व मत करना, उसको लेके चलना है, अगर जब कॉमन कुछ बात होगा वो कमेटी बैठ के बात करेगा, ये भी आप कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड है तो उसको फिर अभी एक आदमी रजिस्टर्ड करके प्रेसिडेंट बन के वो कैसे छोड़ेगा, बात भी है क्योंकि उसको पैदा किया वाला एसोसिएशन है। ज्वाइंट कमेटी बना लो आप लोग रेजोल्यूशन बैठ के पास करके एक ज्वाइंट कमेटी बनाओ, उसके एक अलग से लेटर हेड बना दो, उसमें जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रहेगा उसको एक लेटर हेड बना दो, ज़्यादा नहीं 100 पेज के लेटर हेड रखो, और उसमें लिख दो आप लोग जब साइन करेगा तो कि इमरजेंसी सिचुएशन में सब एसोसिएशन एक्शन बैठ के इसको काम करेगा, प्रॉब्लम्स होने से ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई इशू नहीं है, मगर एक बात हम फिर बोले मलिक भाई आपसे उम्र में छोटा भी हो सकता बड़ा भी हो सकता, हाँ चलो ठीक है आपसे बड़ा है, एक बात हम बोलेगा आपको बड़ा भाई की तरह बोलता है, कभी नहीं बोलना एक साथ नहीं होगा, ऐसा कोई दुश्मनी या कोई दरार नहीं है कि एक साथ नहीं हो सकता, आप मेरा छोटा भाई हम आपको बोलता है, आपको कभी जिंदगी में कोई तकलीफ आप मेरे पास आना कभी ऐसा नहीं बोलना कि नहीं हो सकता, लाइफ एक ऐसा चीज़ है ना किससे हम लोग को कहाँ क्या मदद मिलेगा नहीं बोल सकता भाई, इसीलिए चलो ठीक है आपका पर्सनल डिफरेंसेस हो सकता है, मैं उसके लिए कभी नहीं बोलूँगा आपको नहीं हो सकता, होना भी चाहिए, आपका अपना जीने का तरीका होगा, एटीट्यूड होगा, अगला का नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जहाँ आप लोगों का अपना बात होता ना वहाँ बोलना हम लोग मिलते ही रहेगा, ये एक आवाज़ जब उठा ना तो आप देखिए कि पीछे 100-150 आदमी का आवाज़ उठेगा, हम लोग साथ रहेंगे, तो वैसे ही करो भैया आप लोग जितना एसोसिएशन है उसमें से ऑफिस बियरर को प्रेसिडेंट सेक्रेटरी या जो भी आने मांगता सामने उसको ज्वाइंट कमेटी में रख लो, उनका नाम से एक ज्वाइंट कमेटी ये कर लेते हैं हम लोग, फॉर्मली लिटरेट बनाओ उससे हम लोग प्रोसेस करेंगे।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कमिटी में अगर किसी को प्रॉब्लम होने से बता देना। हाँ मेरा भाई वो चीज़ है, कल को जो कमिटी में जो पांच मेंबर है वही डिसाइड करेंगे क्या करना है। एग्जैक्टली वो मुद्दा लेके आपका उस लोग लीड करेगा, तो आप लोग अपना राय देना है और एसोसिएशन का आवाज रहेगा। मगर क्या है कि लीड करेगा तो पांच आदमी लीड करेगी, सब टीम से एक साथ है ना, तो वो टाइम में कुछ अपना पर्सनल डिफरेंस होने से जेब में रखने का दोस्त। हम लोगों को किसी को ये नहीं करना कि मेरा वो आदमी से नहीं बनता, वो आदमी से नहीं बनता आप घर जाके सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो जुड़ते हैं उसमें खलल मत करो, सीधा से बात है। जब आदमी मुट्ठी बनाता है तो एक उंगली मोड़ के टेढ़ा मत करो भाई, इसको तकलीफ हो घर जाओ। हम बहुत सीधा बात करने वाला है, जिसको तकलीफ है भाई किसी भी ज्वाइंट कमेटी से किसी एक आदमी से, अपना तकलीफ जेब में रखो, सबका तकलीफ सोच के चलने का है। अगर किसी को ये लगता है मेरा उससे नहीं बनता, कोई बात नहीं, उससे बात मत, बुरा लगेगा, बीवी भी बुरा लगती बहुत जन को, मगर जिंदगी भर साथ रहते हैं ना, निभाते हैं ना, इसी को परिवार बोलते हैं, इसी को परिवार बोलते हैं। बेटा बिगड़ जाने से कि हम उसको फेंक देते हैं, नहीं फेंकते ना, पैर पकड़ता माँ बाप, अरे बच्चा मत गलती करो सुधर जाओ। तो यही लाइफ है भाई, हो सकता किसी साहब का बातचीत ना हो ना बनता हो, कोशिश तो करो कि वो आदमी से कभी दिल मिले। ऐसा वो भी कोई इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं बना के रखा है कि आप उसके दिल में नहीं घुस सकते, घुस सकते हैं ना। हम मलिक भाई से आज तक बात नहीं की, आज बात किया, दोबारा मिलेगा उनसे अकेला में बात करेगा, हम जरूर करेगा, मैं बोल रहा हूँ आपको। ये मेरा अपना ये है कि हम कोई भी संगठन को लेके बात करता तो मेरे को एक ये रहता दिल में कि अंडमान में जब मिनी इंडिया बोलते हैं ना, तो दिल्ली बैठा वाला आदमी को भी एक चीज़ का घमंड होना कि साला एक छोटा सा आइलैंड है मगर बाप लोग बैठे हैं वहाँ में करके, आवाज़ देने से आदमी साथ उठता है, ये होना। आज हम लोग का बच्चा मेडल लेके आता, कोई एयरपोर्ट में आप देखो एडमिनिस्ट्रेशन का एक बंदा नहीं आता, कितना बुरा बात है। हम लोग के बीच का बच्चा है ना, इंटरनेशनल मेडल दो दिन पहले लेके आया, कोई एक जन नहीं आया। उसका फादर को अपना बच्चा अपना बीवी का जेवर गिरवी रख के उसको लड़ाई फाइट करने भेजना पड़ा। ये आज हम लोग का यहाँ का आइलैंडर और लोकल लोग का हालत है, इसको कब समझेंगे और कब सुधरेंगे भाई। बहुत डिफरेंसेस है, हम लोग का भी आपस में होता है, ऐसा बात नहीं है, मगर कहीं कहीं हम लोग को अनदेखा करना पड़ता, छोड़ देना पड़ता पर्सनली को, नहीं चाहिए को, क्या करने के लिए। जीत कब है मालूम? जब लड़ाई करके जीत के निकले तब है जी, और उसी को संगठन और उसी को ताकत बोलते हैं। इसलिए मलिक भाई से अकेला में बात करेंगे, नंबर लेगा जी भैया, ये बात करते रहेंगे तो लंबा होते रहेगा। इसीलिए हम बोला आप लोग ये चीज को पेन डाउन करो, कैसा करना है आप बोले देखिए बात करनी, आप ही से एकता हो, एकता। एग्जैक्टली भैया हम वही बोलता है कि एक साथ रह के हम लोग को चलना है, शॉर्टली जल्दी से इसको शॉर्ट आउट करना। आप लोग अपना ज्वाइंट कमेटी बनाओ, जो जो मेंबर है उनका डिटेल दो, कोई इश्यू नहीं है, सबके साथ मिलकर के काम करने हम लोग रेडी हैं। बस खत्म हो गया, तो बाद में ताली होना चाहिए यार, बाद में ताली होना चाहिए। आप लोग बैठा वाला जितने भी भाई लोग है, अगर किसी को कुछ भी डाउट है कुछ बोलना है बेझिझक बोल सकता भाई, एकदम खुला दिल से बोलने का है, क्योंकि ये सबका बात है। मेरा हम फिर आप लोग को रिपीट करता, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मगर आप लोग अपना है। हम लोग कल आज मेरे पास गाड़ी है, कल गाड़ी नहीं होगा एयरपोर्ट में उतरेगा तो आप ही लोग संग आना है हमको। कल कुछ हो गया आप ही लोग कंधा देंगे, सीधा से बात है, मेरा बहुत सिंपल सा सोच है। इसलिए जो भी आप लोग एकदम सीधा बात कीजिए, बताइए। अगर कुछ भी आप लोग को राय लगता है कि भाई ये राय देने जरूरत है, सबका आउटपुट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मुद्दा आप लोग का है। आप लोग जो भी आउटपुट देंगे, हम लोग सही गलत किया उसको बैठ के हमें बात करके डिस्कस करके सॉल्व करेंगे। बताइए आप लोगों को अगर कुछ बोलना है तो। आप लोग ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे तो हम लोग ज्वाइंट कमेटी का एक लेटर प्रिंट करा के उससे लेटर करस्पॉन्डेंस शुरू करेंगे ये इशू को लेकर के, ठीक है? ठीक है। सबसे पहले डायरेक्टर एयरपोर्ट को लेटर देंगे, एड्रेस करेंगे, एमपी को करेंगे, सीएस को और एसडीएम को। सिर्फ 48 आवर्स का टाइम देंगे, सिर्फ 48 आवर्स, क्योंकि हम उन लोगों को दिल्ली से यहाँ नहीं आना है ना, हम लोगों को दिल्ली जाना है। 48 आवर्स का टाइम देंगे कि आप लोग इसमें डिस्कस करके रिप्लाई दो, नहीं दिया एमपी को लेंगे, सीधा जाके वहाँ बात करेंगे। और ये बार क्योंकि हम लोग राइटिंग में देते हैं, तो अश्योरेंस वहाँ से राइटिंग में ही आएगा। हम लोग जब लिखित में देते हैं उनको, एमपी साहब को, डायरेक्टर को, एसडीएम साहब को, सीएस साहब को, तो अब डायरेक्टर एयरपोर्ट को भी राइटिंग में हम लोग को जवाब देना होगा कि वो क्या मानता है क्या नहीं मानता है। जो नहीं मानता है फिर उसको हम लोग देखेंगे कैसे कोर्ट से मनवाना है करके, ठीक। लड़ाई लंबा हो सकता, संगठन को साथ में रह के चलना है, फिर रिपीट करता है। लड़ाई आज़ादी के लिए भी बहुत लंबा लड़ना पड़ा था,
ये अपना हक का लड़ाई है। और हम बार बार अपना हर एक वीडियो में बोला है, हम लोग वो टाइम अंग्रेज और जापानी लोग गुलाम थे, आज एडमिनिस्ट्रेशन के गुलाम है। इसमें हम नहीं डरता है बात बोलने के लिए, हम खुला दिल से बोल रहे हैं। इसीलिए प्लीज़ आप लोग संगठित रहना भाई, हमसे जितना होगा जहाँ होगा हम आप लोगों के साथ खड़ा है। आप लोग कभी भी बुला सकते हो मेरे को, प्लीज़ आपस में नहीं लड़ना, टुकड़ा नहीं होना, और आज के बाद टुकड़ा नहीं होना। जब ज्वाइंट कमेटी बनाए तो आप लोग सब भाई लोग हैं, साथ में रहना प्लीज़। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से, तभी हम लोग लड़ सकते हैं। और एमपी साहब से जैसा आज सुबह मेरा बात हुआ, हम गारंटी के संग बोलते हैं एमपी साहब हम लोग के साथ आएगा और बात होगा, इसका अश्योरेंस मैं आप लोग को दे रहा हूँ, क्योंकि उनसे सुबह मेरा डिस्कशन हुआ। तो सभी ग्रुप मेंबर्स जितने भी लोग आए हुए हैं, सभी को नमस्कार और आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सामने जो चीफ गेस्ट हैं वो हैं राकेश पाल जो भैया हैं, तो हमारे लिए सपोर्ट के लिए आए हैं, तो इनको भी हम हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं इसके विचार में।